तो आप भी देख सकते हैं कि सीआरटीटी पर कौन सा फॉल्ट है। सो सबसे पहले आपको बता दें, आपको तो मालूम ही होगा कि ये सीआरटीटी भी हो गया। जैसे कि लाइन देते ही हमारा जो कि टीवी ओके होने पर क्या होता है कि ब्लू कलर आकर रुका हुआ रहता है, लेकिन ऐसे हिलता नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, तो हमारा ब्लू कलर आ रहा है लेकिन फिर भी ये हमारा हिल रहा है, जो कि लाइट है ऊपर से नीचे हो रहा है। और हमारा जो कि ऐसा लगता है कि इसमें सिंक प्रॉब्लम जैसा है। तो क्या करेंगे, ऐसे फॉल्ट पर हम कौन सा सेक्शन को चेक करेंगे, तो हम आपको बता दें। ऐसे फॉल्ट आ जाए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो कि हमारा ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट रहता है, तो वर्टिकल सेक्शन को क्या करेंगे कि हम एक एक को चेक करेंगे, जो कि हमारा 78040 ज्यादातर आईसी लगा हुआ रहता है। तो उस आईसी पर क्या होगा कि हमारा वोल्टेज तो ओके ही होगा। ओके होने के बाद में हमारा जो कि लाइट है, यानी कि नीचे से ऊपर जो कि लाइट आ रहा है, वो एकदम ओके है। यानी कि हमारा जो कि वोल्टेज होगा वो एकदम ओके आ रहा होगा, इसलिए हमारा जो कि ये हमारा लाइट है एकदम ओके है, जो कि हमारा इसमें क्या है तो लाइनिंग से आ रहा है और हिल भी रहा है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले उस सेक्शन को फिजिकली देखेंगे, और फिजिकली देखने के बाद में क्या करेंगे कि हम और कंपोनेंट ओके होने पर, यानी कि आईसी जो कि लगा हुआ रहता है वो आईसी ब्लास्ट नहीं है, यानी कि खराब भी नहीं है, और भी कंपोनेंट हमारा खराब नहीं है, या फिजिकली देखने पर हमारा कोई कंपोनेंट खराब नहीं होगा, तो क्या करेंगे कि ऐसी कंडीशन में हम वर्टिकल आईसी जो कि लगा हुआ रहता है उस आईसी को क्या करेंगे कि हम चेंज कर देखेंगे। तो क्या करते हैं, तो चलते हैं और इस टीवी को ओपन कर लेते हैं, और फिर क्या करेंगे कि हम एक एक को चेक कर देखेंगे। तो सबसे पहले इसको लाइन से आउट कर देते हैं, और क्या करते हैं, तो चलते हैं और टीवी को ओपन कर रिपेयर करते हैं। तो टीवी को बोर्ड को ओपन कर लिए, जो कि हमारा यहाँ पर वर्टिकल आईसी लगा हुआ है, जो कि 78040 आईसी इसमें लगा हुआ रहता है। और भी कंपोनेंट को देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा पोलराइज कैपेसिटर हो गया, और यहाँ पर हमारा जो कि ये रेजिस्टेंस सब हो गया। लगता है कि एकदम ओके है, जला हुआ नहीं है, ब्लास्ट भी कोई कंपोनेंट नहीं दिख जैसा दिख रहा है। तो क्या करेंगे कि एक बार आप लोग क्या करते कि इसमें हम वोल्टेज लाइन देखकर क्या करेंगे कि हम वोल्टेज को चेक कर लेंगे। वोल्टेज तो हमारा ओके ही होगा, इसलिए हमारा जो कि पिक्चर है वो फुल आ रहा है। फिर भी क्या करेंगे कि एक बार हम इसमें वोल्टेज चेक कर आपको दिखाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं, जो कि हमारा वर्टिकल आईसी का पिन हो गया यहाँ पर है। और इसमें क्या करेंगे कि हम वोल्टेज को चेक कर देखेंगे, तो मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर रखें, ये हो गया, और वोल्टेज को चेक करेंगे, जो कि मिडल का पिन हो जाता है, जो कि पिन नंबर एक ये हो गया, एक यहाँ पर है, 2 3 4 नंबर हो जाता है ग्राउंड, जो कि ये पिन हो गया ग्राउंड। आपको ऐसे रख कर दिखाते हैं, जो कि ये ग्राउंड हो गया, और ये हो गया पिन नंबर 2, वोल्टेज हमारा एकदम ओके है, और पिन नंबर 2 हो गया। 3 4 5 6 नंबर पर चला जाता है, ये भी सप्लाई एकदम ओके, जो यानी कि दोनों सप्लाई एकदम ओके है। फिर भी हमारा क्या है, तो ये लाइनिंग से आ रहा है, यानी कि जो कि झिलझिलाहट है वो आ रहा है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको लाइन से आउट कर दिए, और ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो कि हमारा वर्टिकल आईसी हो गया, इस आईसी को चेंज कर देखेंगे, जो कि हमारा और भी कंपोनेंट क्या है, तो ब्लास्ट जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ख़राब जैसा नहीं है फिजिकली देखने पर। तो क्या करेंगे कि आईसी को ही चेंज कर देखेंगे, तो इसको क्या करते हैं कि ओपन कर लेते हैं, और दूसरा आईसी क्या करेंगे कि हम इसमें लगा कर देखते हैं कि हमारा टीवी ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आईसी को ओपन कर लिए, जो कि इसका नंबर हो जाता है 78040। तो क्या करेंगे कि इसकी जगह पर हम दूसरा आईसी को लगाएंगे, तो सबसे पहले ये पिन सब हो गया, इस पिन को क्या करते हैं कि हम क्लीन कर लेते हैं, जो कि हमारा होल बना हुआ रहता है उसको साफ कर लेते हैं, और दूसरा आईसी क्या करेंगे कि इसमें हम लगा कर देखेंगे, और नहीं होने पर क्या करेंगे, जो कि हमारा ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारा सिंक प्रॉब्लम जैसा आ रहा है, तो सिंक सेक्शन को चेक करेंगे, जो कि हमारा सिस्टम आईसी से लगा हुआ रहता है। सिस्टम आईसी का जो कि पिन सब हो गया उससे कनेक्टेड रहता है, पीएफ सब लगा हुआ रहता है उस पिन से। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम वर्टिकल आईसी को लगा कर देखेंगे, या नहीं होने पर क्या करेंगे कि उस सेक्शन को भी चेक कर देखेंगे। तो साफ कर लिए, और वर्टिकल आईसी को क्या करेंगे कि हम दूसरा वर्टिकल आईसी इसमें लगा कर देखेंगे, तो ये हो गया दूसरा वर्टिकल आईसी, इसको क्या करेंगे कि हम इसमें लगा कर देखेंगे। ये भी हमारा सेम ही नंबर का है, जो कि 78040 नंबर हो गया, उतना ही नंबर का वर्टिकल आईसी को हम ले आए, और क्या करें, तो इसमें हम लगा कर देखते हैं। तो मैंने वर्टिकल आईसी को लगा दिया, आपको दिखाते हैं फिर से अच्छी तरह से, जो कि यहाँ पर वर्टिकल आईसी लगता है, जो कि वो वर्टिकल आईसी को लगा दिया, और एक हमारा ट्रैक कट गया था, जो कि पिन नंबर 6 से, जो कि हमारा वीसीसी वोल्टेज इनपुट होता है, तो उस ये वोल्ट जो कि हमारा ट्रैक हो गया, ये कट गया था, तो यहाँ पर हम जम्पर को लगा दिए, और क्या करेंगे, तो आईसी को तो लगा दिए, और इसमें क्या करेंगे कि हम लाइन पर लगा कर देखेंगे। तो टीवी को क्या करते कि बोर्ड को ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको घुमाते हैं, इसको घुमाएँ, और यहाँ पर आए, और क्या करते कि इसको हम लाइन पर लगा कर देखते हैं। तो लाइन पर लगा दिए, और देखते हैं कि हमारा टीवी ओके हुआ कि नहीं हुआ।
तो आप भी देख सकते हैं कि टीवी हमारा एकदम ओके हो गया, जो कि अभी लेकर आ गया, जो कि पिक्चर एकदम प्लेन आ गया, यानी कि ब्लू कलर का आ गया। तो जो कि ऐसे फल्ट पर क्या करते हैं, तो हम वर्टिकल आईसी को चेक करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं, तो हमारा पिक्चर एकदम ओके हो जाता है, यानी कि टीवी एकदम ओके हो जाता है। तो ऐसे फल्ट पर क्या कीजिएगा कि आप भी ऐसे पहले चेंज कर कर देखिएगा। तो ये टीवी हमारा एकदम ओके हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि और भी कुछ नया सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद।